देवास से बड़ी खबर, जहां ओवरलोडिंग कर रेत का परिवहन कर रहे 18 वाहन जब्त हुए हैं। राजस्व खनिज पुलिस विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई है। जब्त वाहनों को पुलिस थाने पहुंचाया गया है। देवास में ओवरलोडिंग कर रेत का परिवहन कर रहे 18 वाहन जब्त हुए हैं। राजस्व खनिज पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। जब्त वाहनों को पुलिस थाने पहुंचाया गया। हमारे सहयोगी एहतेशाम कुरैशी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, ओवरलोडिंग कर रहे रेत के वाहनों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर? जी बिल्कुल मयंक, जो मैं बताना चाहूंगा कि देवास जिले में एक बड़ी कार्रवाई जो है आज देखने को मिली है। जो देवास में जो है खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तीनों ने मिलकर जो है एक संयुक्त कार्रवाई की है और करीब 18 ऐसे वाहन जब्त करे जो रेत का ओवरलोड लोडिंग परिवहन कर रहे थे। और इन जब्त वाहनों में ट्रक और डंपर दोनों शामिल है। और मयंक, मैं बताना चाहूंगा के जिले के इंदौर बैतूल मार्ग पर जो एक लंबा मार्ग है, वहां पर जो है कार्रवाई करते हुए इन वाहनों को जो है जब्त किया गया। और ताजा अपडेट भी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि 18 वाहनों से अभी संख्या काफी बढ़ गई है और जो कुछ भी ताजा अपडेट आएगा वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी मैम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देवास में ओवरलोडिंग कर रेत का परिवहन कर रहे 18 वाहन जब्त हुए हैं। राजस्व खनिज पुलिस विभाग ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। जब्त वाहनों को पुलिस थाने पहुंचाया गया है।